लड़ाई योद्धाओं में पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसकी बेहतरीन तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लॉकडाउन के दौरान यूं तो पूरा पुलिस महकमा अपने फर्ज निभाने में जुटा हुआ है, लेकिन नगर में एक महिला पुलिसकर्मी ऐसी भी है जो न केवल खाकी का फर्ज निभा रही है बल्कि मां की ममता का भी धर्म निभा रही है। नगर के बाईपास रोड पर पुलिस लाइन से महिला कांस्टेबल चित्रलेखा की ड्यूटी चेकिंग में लगाई गई है। महिला कांस्टेबल चित्रलेखा के बेटे की उम्र महज 1 वर्ष की है, ऐसे में उसे घर पर छोड़ना भी संभव नहीं है, लिहाजा इस महिला कांस्टेबल ने दोनों फर्ज एक साथ निभाने की ठान ली। महिला कांस्टेबल 25 मार्च से लगातार हर दिन 12 घंटे ड्यूटी कर रही है। इस दौरान महिला कांस्टेबल के साथ उनका मासूम बेटा ही रहता है। चिलचिलाती धूप में बच्चा कई बार परेशान हो जाता है, लेकिन खाकी के फर्ज के आगे एक माँ का दिल फिर भी नहीं पसीजता। बातचीत में महिला कांस्टेबल ने बताया कि वो देश के लिए बस अपना फर्ज निभा रही है। ड्यूटी के साथ वो अपने बेटी की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती है। वहीं दूसरी ओर जब पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को महिला कांस्टेबल और उसके बेटे के बारे में जानकारी हुई तो तत्काल ही पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने महिला को ड्यूटी से हटा दिया और बच्चे की देखभाल करने के लिए आदेशित किया। ड्यूटी कर रही हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? सर, देश की सुरक्षा के लिए हमें तैनात किया गया है तो देश की सुरक्षा कर रहे हैं सर। कोरोना के प्रति लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, इसीलिए ये भारत बंद में हमारी ड्यूटी लगी है सर, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो आपको कई सारी समस्याएं आती होंगी, एक छोटा सा बच्चा आपके साथ है, उसको लेके आप साथ में ड्यूटी कर रहे हैं? जी सर, इतना कुछ नहीं, बस विभाग वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ देते हैं और इसी ड्यूटी मिलजुल के कर लेते हैं सर। और बच्चे के साथ साथ में देश का भी, देश सुरक्षा का भी। बच्चे के फिर खाने पीने का क्या इंतजाम आप करते हैं? बस लेके आते हैं सारा कुछ, सारी चीज़ें आप लेते हैं। बच्चे का भी कर लें।